टोंक में झिलाई रोड के पास जंगलों में ऑस्ट्रेलियन पक्षी एमू के 50 शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। करीब इतनी संख्या में आसपास के गांव में घायल हालत में ये पक्षी घूमते देखे गए हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन पक्षियों के साथ इस तरह का सलूक कौन कर रहा है। निवाई के झिलाई रोड के पास एक साथ इतने एमू का शव मिलने से इलाके के लोग सकते में हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर इन पक्षियों की ऐसी हालत कैसे हुई। करीब 50 शव तो बरामद कर लिए गए हैं, इतनी ही संख्या में ये पक्षी आसपास के गांवों में चले गए हैं। लोगों के मुताबिक वो भी बेहद घायल हैं। ये 31 शव है और ये रात को 12 बजे की बता रहे, हमें सुबह सूचना मिली, सरपंच साहब चैनपुरा ने फोन किया था, कैसे से ये कौन सा ये रोड है, कैरोद मोड़ पर, जिला रोड कैरोद मोड़ पर रात को गाड़ी आई, गाड़ी खाली करके चली। ग्रामीणों के मुताबिक दो ट्रकों में भरकर इन एमू पक्षियों को रविवार रात यहां लाकर छोड़ा गया। चश्मदीदों का कहना है कि कुछ एमू तो ट्रक की चपेट में आने से मर गए। कुछ घायलों की हालत तो इतनी खराब थी कि इलाज न मिलने के कारण उनकी सुबह तक जान चली गई। ये पक्षी जा रहे थे तो कोई ग्रामीण यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई इसमें कोई न कोई जानवर है, उन्होंने इस ट्रक को रोका तो वो ट्रक वाले इसको पक्षियों को सबको यहाँ पे छोड़ के भाग गए। इनमें से 50-60 तो मर गए और 50-60 यहाँ पे गांव में आसपास घूम रहे। पुलिस ने दोनों ट्रकों को बरामद करने के साथ ही उनके ड्राइवरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सुबह उसने एफआईआर दिए, तफ्तीश बालकृष्ण एसआई को दिए, दोनों ट्रकों को ये है और अभी तफ्तीश जा रही है, फॉरेस्ट मौके पर चले गए हैं और मरियों का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं उनका। कुछ रोज पहले ही बरौनी गांव में नेशनल हाईवे पर टोंक के लोगों ने इन पक्षियों का एक झुंड पहली बार देखा था, जिनमें से 14 जीवित थे जबकि 2 की मौत हो गई थी। कुछ ही दिनों में इस हालत में ऑस्ट्रेलिया के ये पक्षी दोबारा मिलेंगे किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। प्रियदर्शन वैष्णव, सहारा न्यूज ब्यूरो, टोंक।